हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ उबंटू का। ये मेरा पार्ट 3 है। आज हम लोग उबंटू पे काम करने वाले हैं। उबंटू के जो डेस्कटॉप हैं उसके अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनकी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। इससे पहले जो दो वीडियो था उसमें पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उबंटू का परिचय लिया था। दूसरे में आपको बताया गया था कि उबंटू को कैसे इंस्टॉल किया जाए डुअल विंडो 10 के साथ। और आज हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप पे उबंटू है, अब हम उबंटू में काम कैसे करें उसके लिए आज का वीडियो होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको उबंटू के डेस्कटॉप से परिचित कराया जाए। तो देखिए, जब आप उबंटू को लोड कर लेते हो तो जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे और उबंटू के द्वारा आपका डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप ऑन होगा तो जो पहला स्क्रीन आपको दिखाई देगा वो जस्ट लाइक कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारे उबंटू का डेस्कटॉप है कह सकते हैं। तो ये जो डेस्कटॉप है ये बताता है कि आपका डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर बूट हो चुका है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ये उबंटू के माध्यम से मिला है और आपका उबंटू का इन्वायरमेंट सेट हो गया है और आप जो भी क्रिया काम करना चाहें वो अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो जो ये डेस्कटॉप है इसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं हम लोग थोड़ा इनसे परिचित होंगे कि ये क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ा हम बात कर लें कि कहने के तो हम लोग इसे डेस्कटॉप बोलेंगे पर ऑफिशियली इसे जीनोम बोला जाता है। तो जीनोम इज ए डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, माने जो हमें डेस्कटॉप का वातावरण मिला उसे हम लोग जीनोम बोलते हैं। पर फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स या फ्री वाले होते हैं, ऐसे लिनक्स हो गया, रेड हैट हो गया, लिनक्स मिंट हो गया, उसमें जो डेस्कटॉप का वातावरण मिलेगा वो जीनोम कहलाएगा। इट कम्स फ्रॉम द GNU प्रोजेक्ट, ये आया है GNU प्रोजेक्ट से, विच हैज बीन प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड विथ फ्री सॉफ्टवेयर फॉर ओवर 3 decades, माने पिछले 3 दशक से ये हमें प्रदान कर रहा है फ्री सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में, उसी से ही आया है जीनोम। जस्ट लाइक उबंटू यूजेस द लिनक्स कर्नल टू मेक सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विथ योर कंप्यूटर, तो हमारा जो उबंटू है ये हमारे लिनक्स कर्नल का प्रयोग करता है कंप्यूटर से संचार करने के लिए। इट यूजेस जीनोम टू प्रोवाइड यू विथ एन इजी ऑन स्क्रीन इंटरफेस। तो बातचीत तो कर्नल के माध्यम से होगी कंप्यूटर से, पर जो जीनोम का डेस्कटॉप मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आप आसानी से कंप्यूटर से बातचीत कर पाए। द पैनल शोइंग द टाइम द लॉन्चर दैट ओपन एप्स, और ये जो जीनोम होगा ये आपको टाइम दिखाएगा, ऐप को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर दिखाएगा और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको आगे दिखाया जाएगा। तो हमारा जो जीनोम डेस्कटॉप है ये जस्ट लाइक उसी ही तरीके से होगा जैसे विंडोज में या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा डेस्कटॉप होता है। तो देखते हैं कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो जीनोम का डेस्कटॉप होगा उसके टॉप साइड पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा लुक दिखेगा, इसे टॉप बार बोलते हैं। तो हमारा जो टॉप बार होता है इसमें एक्टिविटीज ओवरव्यू होता है और इसमें द करंटली ओपन एप्लीकेशंस मीनूज, माने जो हम लोगों ने इस समय एप्लीकेशंस खोल रखे हैं वो आपको दिखेगा, उसे एक्टिविटीज ओवरव्यू बोलेंगे। और साथ साथ आप अगर नेटवर्क से कनेक्ट हैं वाईफाई वगैरह से तो उसका डिटेल आता है, साउंड का डिटेल आता है, बैटरी का स्टेटस आता है, पावर ऑफ वगैरह से रिलेटेड, डेट एंड टाइम से रिलेटेड आता है, इसे हम लोग टॉप बार बोलते हैं। कह सकते हैं कि विंडो में ऐसे टास्क बार होता था, यहाँ पे टॉप बार आपको होता है, या आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें डेट एंड टाइम, बैटरी की स्टेटस, वाईफाई कनेक्शन वगैरह दिखता है, तो वो आपका टॉप बार है। अब हमारा एक्टिविटीज
ओवरव्यू आता है। तो हमारा जो टॉप बार है, उस टॉप बार पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको एक्टिविटी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका रोल ये होता है कि प्रेजेंट टाइम में आपने जिन जिन ऐप को खोल रखा है उन्हें व्यू करने के लिए हम लोग एक्टिविटीज पे आते हैं। मान लेते हैं आपने कैलकुलेटर खोल रखा है, आपने लिब्रे एक्सेल खोल रखा है, आपने लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस खोल रखा है, तीन ऐप हैं, तीनों मान लेते हैं मिनिमाइज है। तो जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक मारोगे तो तीनों को आपको छोटे छोटे विंडो में दिखाएगा। इससे ये आइडिया लगता है कि प्रेजेंटली हम कितने ऐप को ओपन किए हुए हैं और हम जिस ऐप पे क्लिक करेंगे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, हम उसमें काम करेंगे। ये हमारा एक्टिविटीज का वर्क होता है। एक आपको लेफ्ट साइड में ऐसे मिलेगा, इसे डॉग बोलते हैं। तो डॉग जो होता है ये लेफ्ट साइड के स्क्रीन में दिखेगा। ये दिखाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो जो ऐप आप खोलने चाहते हो, जो आपके फेवरेट्स हैं, उनके शॉर्टकट्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ से ब्राउजर ओपन कर सकते हो, लिब्रे के प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, सेटिंग को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ आपके जो फेवरेट्स या ज़्यादा यूज में आने वाले ऐप हैं उनके शॉर्टकट्स आएंगे। आप क्लिक करिए, ये आपको तुरंत ओपन होके दिखाई पड़ेंगे। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डॉक। एक होता है ऐप ड्रायर करके होता है। तो ऐप ड्रायर जो होगा वो डॉक के एकदम बॉटम में ऐसे नीचे दिखता है। तो इस पर क्लिक करने पे आपके कंप्यूटर में जितने भी ऐप लोड हैं, इंस्टॉल हैं, उनकी पूरी ग्रिड आती है, आइकन्स आते हैं, उनकी पूरी लिस्ट आती है। जैसे ऐसे ऐसे ये आपका कहलाएगा ऐप ड्रायर। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से ऐप अपने उबंटू में लोड कर रखे हैं। ये इनकी सारी पूरी लिस्ट आपको यहां पे दिखाई देगी। साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें सर्च का भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप किसी ऐप को खोलना चाहते हो, आप नए हो उबंटू में, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो कि कैलकुलेटर कहाँ है, कैल्क कहाँ है, तो आप सर्च में जाके जिस ऐप को लिखोगे अगर वो मौजूद है आपके उबंटू में तो वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी को सर्च कर सकते हैं। एक आपका वर्क स्पेस होगा जो आपको राइट साइड में दिखेगा। होता क्या है कि ऐसे आपने उबंटू को ओपन किया तो आपको उबंटू का जो डेस्कटॉप मिला, जीनोम का डेस्कटॉप मिला। अब आपने मान लेते हैं कि नो टेक्स्ट एडिटर भी खोल लिया, कैलकुलेटर भी खोल लिया, लिब्रे कैल भी खोल लिया, तीनों मिनिमाइज कर दिए। तो आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो वो एक अलग से वर्चुअल डेस्कटॉप बना के दिखाएगा कि ये तीन ऐप खुले हुए हैं। तो साइड में अगर आप जाओगे तो जो फर्स्ट डेस्कटॉप था वो दिखाई पड़ेगा, जो उसके बाद वर्चुअल डेस्कटॉप बना है वो दिखाई पड़ेगा। आप जिस पे क्लिक करोगे वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा। इसे हम लोग वर्क स्पेसेस बोलते हैं। नेविगेटिंग द टॉप बार। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि जो टॉप बार में हमें एक्टिविटीज वगैरह दिखते हैं, इनको अगर हम यूज में लाना चाहते हैं तो कैसे यूज में लाएंगे। तो देखिए, अगर आप एक्टिविटीज पे जाओ तो जो जो प्रोग्राम आपने खोल रखे हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो जो ऐप खुले हैं वो एक खुला है तो एक दिखेगा, कई खुला है तो कई का आपको छोटा छोटा विंडो दिखेगा। और उसके अलावा इसके बगल में अगर आप देखोगे सेकंड में, तो जो ऐप खुला है, ऐसे टेक्स्ट एडिटर खुला है, तो इस पर क्लिक करने पे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आएंगे। हम यहीं से एक नया विंडो खोल सकते हैं, उसका शॉर्टकट देख सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। ये आपका होता है टॉप बार पे। और मिडिल वाला जो होता है ये आपको टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है। आप क्लिक करिए, आपको कैलेंडर मिल जाएगा। आप यहाँ से कैलेंडर देख भी कर सकते हो या आप कैलेंडर से डेट एडजस्ट भी कर सकते हो अगर वो गलत डेट दिखा रहा है। अब आपका जो टॉप बार में राइट साइड पे दिखेगा तो वहां आपको बैटरी का स्टेटस दिखता है। अगर आप नेट से कनेक्ट है तो ब्लूटूथ है, ऑन है कि नहीं, वाईफाई क्या है, हॉटस्पॉट उसका ब्यौरा आता है, साउंड का आता है। तो ये जो सारे चीजें होते हैं वो आपके टॉप बार के राइट साइड में दिखता है। ये सेटिंग टाइप का आइकन दिख रहा है, यहाँ से हम रिस्टार्ट या शटडाउन वगैरह, पाइथन का पावर आप बोलते हैं इसमें, उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी आपका जो ये डॉक है इसमें शॉर्टकट दिखते हैं आपके ऐप के, हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे ऐप दिखते हैं, आप जिस ऐप पे क्लिक करते हैं वो ऐप आपका ओपन हो आता है। और जिन जिन ऐप को खोलेंगे उस पर रेड कलर का
एक इंडिकेटर लग जाएगा, ऐसे मैंने लिब्रे कैल्क पे क्लिक किया तो लिब्रे कैल्क खुलेगा और यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर लग जाएगा कि ये वाला आपने ऐप खोल रखा है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए उस पर क्लिक करना है और रेड इंडिकेटर ये बताता रहेगा कि वो ऐप प्रेजेंट टाइम में खुला हुआ है। और अगर आप किसी ऐप के ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं, किसी ऐप के ऊपर मतलब जो ये ऐप दिख रहा है इसके ऊपर किसी के ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आएगा और उस लिस्ट में उससे रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, हम उन्हें भी यहां से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने Ubuntu के पूरे जीनोम डेस्कटॉप के बारे में आपको परिचित कराया। टॉप बार में मैंने आपको एक्टिविटीज के रिलेटेड चीजें बताई, डॉक के बारे में बताया, डेट एंड टाइम के बारे में बताया, और भी बहुत सारी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।